हाई ऑफी वन इन दिस लेक्चर सीरीज़ फॉर एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन टू डे विल बी कवरिंग टॉपिक वन पॉइंट फाइव पार्ट फोर सो लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी कवरिंग लिविंग मेजर प्रिमेट्स बेसिकली हम उन प्रिमेट्स की बात करेंगे जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड में पाए जाते हैं आज के डेट में ना कि उनके बारे में जो एक्सटेंट हो गया है सो so बेसिकली अभी हम जितने भी प्रिमेट्स के बारे में बात करेंगे आप उन्हें ग्लोब पर कहीं ना कहीं लोकेट कर सकते हैं ओके सो हियर आई हैव इंक्लूडेड दिस प्रिमेड टेक्सोनोमी वाला चार्ट अगेन सो हियर यू कैन सी हमने प्रोसीमियम्स के बारे में बात की थी एंथ्रोपायडे के बारे में बात की थी उनके सब फैमिली फैमिलीज के बारे में हमने डिविजन्स देखे थे तो हम इस चैप्टर में उन्हीं सब फैमिलीज फैमिलीज ऑर्डर सब ऑर्डर्स के अंदर जो जो भी प्रिमेड्स प्रेजेंट वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाई वन सो यू कैन कीप दिस पर्टिकुलर चार्ट इन योर माइंड और वी विल कीप रेफरिंग अगेन एंड अगेन टू दिस ओके और इस चार्ट में मैं एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहूँगी रिमेंबर इन द टेक्सोनोमी वाले लेक्चर में हमने बात करी थी लाइक like, प्रोसमीज के अंदर टारशी फॉर्मीज़ बेसिकली उनको एंथ्रोपॉइडी की कैटेगरी में रखा गया है लेकिन uh, कुछ जगह आप जो डिविजन्स देखेंगे उसमें टारशी uh, फॉर्मीज़ को प्रोसमीज़ के अंदर ही रखा गया है ओके okay. सो so, आप इसे कन्फ्यूजन uh, आपको ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और uh, चार्ट इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टारशी uh, फॉर्मीज़ को हेल्पोरोनीज बेथिक बेसिकली नथिंग एल्स देन एंथ्रोपोइी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी हुई है इसके बारे में दैट बोथ आर वन ऑफ द सेम ऑल राइट सो आई होप यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग प्रीमेट्स की सीरीज में हम सबसे पहले जिनकी बात करेंगे दैट इज लिमूड्स लिमोर्स आर ऑफकोर्स वन ऑफ द मेजर प्रीमेट्स अंडर द प्रोसीमियम्स कैटेगरी ओके सो लिमोर्स आपके कहाँ पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन मेडिगैसकर आईलैंड ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में पाए जाते हैं और लिमूर्स कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। और अफ्रीका में भी मेरेगैसकर इज दी ओनली आइलैंड इन वर्ड आर फाइंड ओके देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लिमोर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज लार्जर लेमूर्स एंड सेकेंड वन इज स्मॉलर लेमर्स जो लार्जर लेमूर्स होते हैं दे आर डायरल यानी कि वो दिन में काम करते हैं एंड दे आर मोस्टली वेजिटेबल ईटर्स या वो हार्बीपोरस um, होते हैं मतलब uh, Uh, साग सब्जियां ये सारी चीज़ें खाते हैं बट जो स्मॉलर लमूर्स होते हैं दे आर नॉक्टर्नल एज वेल एज इंसेक्टिवोर यानी कि वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं और राइट सो यहाँ पे आप अफ्रीका का ये मैप uh, भी देख सकते हैं आई वुड सजेस्ट कि एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड ट्राई एंड लोकेट ऑल दोज इन द मैप क्योंकि वर्ल्ड मैप इन जनरल सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो आना ही चाहिए वर्ल्ड मैप और इंडिया का बेसिक मैप ड्रॉ करना तो यू कैन ड्रॉ द मैप एंड यू कैन शो इट ओके सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रोसीमियम दैट इज लॉरिसिस लॉरिसिस की जोग्राफिकल लोकेशन दे आर फाउंड इन द वुडलैंड ऑफ इंडिया श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका आई होप यू आर एबल टू इमेजिन ऑल दोज ऑन द वल्ड मैप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लॉरिसिस यूज अ क्लाइंबिंग फॉर्म ऑफ क्वाडर पेडलिज्म यानी कि चार पाँव पे चलते हैं एंड बेसिकली अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं और कुछ लॉरस जो होते हैं दे आर इंसेक्टिवर्स यानी कि वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स एंड अदर लीव्स इन सब पे ये भी वो खा लेते हैं और राइट फीमेल्स फ्रीक्वेंटली फॉर्म एसोसिएशन फॉर फ्रॉगिंग और इन शेयरिंग द सेम स्लीपिंग नेस्ट तो ये कुछ तरह की कि आप सोशल फॉर्म उनकी मान सकते हैं ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसे भी आप मैंशन कर सकते हैं सो हियर अगेन इन द वर्ल्ड मैप यू कैन लोकेट हमने देखा वैंड ऑफ इंडिया श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया में कुछ जगहों पर एंड एज़ वेल एज अफ्रीका में वहाँ पर पाए जाते हैं और राइट देन मूविंग ऑन टू थर्ड वन दैट इज टार्शियर्स टार्शियर्स बेसिकली आप साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे और रिमेंबर टार्शियर uh, की एक जो मूवमेंट और जो एक कैपेसिटी uh, है इनकी क्लिनजिंग की ये ट्री ब्रांचेस पे पूरी तरह से लटक जाते हैं और उसे चिपक जाते हैं दैट इज हाउ दे डू देयर मूवमेंट हमने इनके बारे में भी लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया हुआ है सो हियर यू कैन आल्सो सी द पिक्चर फॉर अ मोर बेटर क्लैरिटी और टारशियर्स जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं साइज में ऑलराइट एंड दे आर ऑल नॉकटर्नल यानी कि ये रात को काम करना पसंद करते हैं देन टार्शियस ईट इंसेक्ट्स यानी कि इंसेक्टिवोर है एंड स्मॉल वर्टिब्रेड विच दे कैन कैच अप बाय लीपिंग फ्रॉम ब्रांचेस और राइट बिकॉज दे आर गुड लीपर्स दे आर गुड एट क्लिंजिंग ब्रांचेस तो वो उनसे जहाँ पे भी उनको छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स मिल जाते हैं वो उसे भी खा लेते हैं द बेसिक सोशल पैटर्न अप्यर्स टू बी अ फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटेड पेयर एंड देयर ऑफ स्प्रिंग इट्स बेसिकली लाइक आज द ह्यूमन बींग्स जहाँ पे uh, माता पिता होते हैं उनके बच्चे होते हैं तो टार्शियर की जो सोशल uh, लाइफ होती है दे आर मोर लेस सिमिलर टू एज अ ह्यूमन ऑलराइट सो यहाँ पे हम प्रोसीमियम्स uh, को हमने कवर कर लिया है देन या यज द वर्ल्ड मैप का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के आईलैंड हैं जिसमें फ़िलिपीन इंडोनेशिया ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं तो यू कैन लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप ऑल राइट नाउ मूविंग ऑन टू द एंथ्रोपॉइट्स एंथ्रोपॉइट्स में बेसिकली हमें न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ और उनके अंदर जो अलग अलग सब डिविजन्स हैं उनके बारे में बात करनी है सो बेसिकली जो मंकीज़ हैं हम जभी भी हम प्रेट्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला एक फिगर uh, आता है और जो इमेजिनेशन आती है दैट इज़ ऑफ अ मंकी ऑल राइट एंड यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट बिकॉज प्रीमेड्स की जो ज़्यादातर वेरियंट्स uh, है दे आर ऑल लाइक सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स आर मंकीज़ की कैटेगरीज के हैं ऑफकोर्स मंकीज़ ऑफ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स uh, के लेकिन मोरलेस आप उनको मंकीज ही कह सकते हैं ऑल राइट और जैसा कि हमने बात करी है न्यू वर्ल्ड मंकीज़ एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ और न्यू वर्ल्ड मंकी को हम प्लेटरी हिरीनी भी कहते हैं एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ आर ऑल्सो नोन एज कैटरहीनी ओके सो so, इसे भी आप वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर रेफरिंग टू दिस हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं सो दैट इज़ वाई आई कीप सेंग अगेन एंड अगेन कि आप जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ कवर करते हुए चले सो दैट इट बिकम्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर यू इन गेटिंग थ्रू द ऑल द चैप्टर्स और राइट सो अगेन अगर आप न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करें और ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करें क्योंकि अभी तक तो हम बस टैक्सोनॉमीज के बारे में पढ़ रहे थे अभी हम लिविंग प्रीमेड्स के बारे में जान रहे हैं तो ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ के बीच में अगर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इन टर्म्स ऑफ नेम्स पता चल जाए तो आई थिंक दैट वुड बी मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी सो दैट इज़ वाई आई इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर चार्ट आउट हेयर आप देख सकते हैं जो भी ग्रीन कलर में मैंशन है दे आर ऑल ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हमें कहाँ मिलते हैं अफ्रीका में एंड पार्ट्स ऑफ एशिया में दे न्यू वर्ल्ड मंकी जो कि आपको पिंक में यहाँ पे दिखाया गया है दे आर ऑल फाउंड इन पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और राइट सो आप अगर देखें कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ के अंदर कौन कौन से आते हैं तो चिंपांजी गोरेला ओरेंगोटॉन्स गिबॉन्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हम न्यू वर्ल्ड मंकीज़ की बात करते हैं तो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में आपके ये सारे आते हैं लाइक आउल मंकीज स्पाइडर मंकीज स्क्वेरल मंकीज़ ये सारे तो ऑफकोर्स वी आर मोर यू नो नोन टू दिस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ के बारे में ज़्यादा रेफर करते हैं इन कंपेयर टू द स्पाइडर मंकीज़ एंड ऑल्ड मंकीज़ और राइट बिकॉज सिन्स लाइक वी आर पार्ट ऑफ एशिया तो हमें ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे इसीलिए हम इनके बारे में ज़्यादा रेफरेंस में यूज़ करते हैं बट आप ये अपने दिमाग में क्लियरली बिठा लीजिए लाइक न्यू वर्ल्ड मंकीज़ भी होते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ भी और न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में कौन कौन से दो तीन नेम्स आते हैं सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रेफर इन केस यू वॉन्ट टू और राइट सो so, प्रोसीमियम्स uh, में अगेन हम न्यू वर्ल्ड मंकी के बारे में आप डिटेल में बात करेंगे सो न्यू वर्ल्ड मंकी की जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है हमने अभी अभी यहाँ पे भी देखा न्यू वर्ल्ड मंकी साउथ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जा रहा है सो ऑलमोस्ट दे आर एर्बोलियन एंड फाउंड इन साउथ मेक्सिको एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एज वी ऑलरेडी सीन इन द मैप इट सेल्फ और का मतलब क्या होता है एर्बोलियल यानी कि वो ज़्यादातर पेड़ पे रहते हैं राइट right. हमने एर्बोडियल और टेरेस्टियल इनके बारे में पढ़ा हुआ है देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सी न्यू वर्ल्ड मंकी के भी कैटेगराइजेशन है इफ यू कैन सी दिस प्लेटहेरी नी यानी कि न्यू वर्ल्ड मंकी न्यू वर्ल्ड मंकी को भी अगर आप डिवाइड करें देन दे आर डिवाइडेड इंटू दिस टू पार्ट्स और राइट थ्री पार्ट्स बेसिकली लेकिन अभी हम यहाँ पर दो से ज़्यादा कंसर्न है हम उन दो के बारे में बात करेंगे जिसको यहाँ पे मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है और राइट सो अगर हम कैलिक्रिटाइडिया के बात के बारे में बात करें तो दे गिव बर्थ टू ट्विंस हैव क्लॉज लिव इन फैमिलीज कंपोज ऑफ मेटेड पेयर और अ फीमेल एंड अ टू अडल्ट मेल प्लस दी ऑफ स्प्रिंग सो so, ये एक छोटी छोटी सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स uh, है ये आप याद कर ले दो तीन बार पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू रिमेम्बर ऑल दोज इन द एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट इफ़ यू हैव टू एंड मेल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फेंट केयर ये हम किसकी बात कर रहे हैं ये हम कैली ट्री चैरिया की बात कर रहे हैं है. उनमें मेल्स इन्फेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज अ ट यू नीड टू रिमेबर नाउ कमिंग टू दी सीबैरिया अगर सिबेरिया के बारे में बात करें तो दे आर प्री हैं एजेस और आर मोनॉगोमस पेयर विदल्टर राइट तो ये जो सिबारियाज है सी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले तो ये मैं कर सकते हैं दैट दे आर एरबोरियल एरबोरियल के बाद आप उनके एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंशन कर सकते हैं दैट इज मोर देन अनाफ फॉर यू टू नो अबाउट द न्यू वर्ल्ड मंकी और राइट नाउ मूविंग ऑन टू दी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की अगर हम रेंजेस की बात करें तो दे आर फाउंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू दरिकट टू स्नो कवर्ड एरियाज इन जपान एंड चाइना राइट देन अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर क्वाडरपल एंड एरबोरियल क्वाडरपल यानी कि चार पाओं पे चढ़ने वाले हैं एरबोरियल यानी कि वो ट्रीज पे पेड़ पर रहने वाले हैं अदर हैव एडोप्टेड टू लाइफ ऑन द ग्राउंड एज वेल एज वी नो चिमपांजीज गोरेलाज ये आपको ज़मीन पर फॉरेस्ट uh, में मिल जाते हैं सो दैट इज़ वन थिंग ऑल ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ बिलोंग टू वन फैमिली दैट इज़ सेकोपी थी सीडिया विच इज़ डिवाइडेड इंटू टू सब फैमिलीज दैट इज़ सेरकोपी थी साइनीज दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड ओमनीवोरस एंड अनदर वन इज कोलोबाइन्स दैट इज़ एरबोरियल एंड वेजिटेरियल ये कैटेगराइजेसन है जो आप याद रखिएगा एंड दै दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड आउट ह्योर इन द चार्ट सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रेफर और राइट सो so, uh, अगर हम बात करें अभी न्यू वर्ल्ड और ओल्ड मंकीज़ के बारे में क्योंकि सी एग्ज़ामिनेशन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ सो हमने कुछ नेम्स जान लिए हमने उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली बट आपने देखा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स मोरल लेस कुछ सिमिलर है सो so यहाँ पर मैंने uh, कुछ जो पर्टिकुलर डिफरेंसेज है वो वाला चार्ट इंक्लूड किया है सो दैट यू कैन रेफर टू इट एंड यू कैन सी कि क्या क्या uh, दोनों में डिफ़्रेंसेज uh, हैं एंड uh, वो आप एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए एंड इवन इफ़ यू वॉन्ट टू रेफर यू कैन रेफर तो बेसिकली इसमें आप डेंटल फार्मूलाज याद रख सकते रख सकते हैं और उनकी हैबिटाइट्स क्या होती है वो मैंशन कर सकते हैं वर्ल्ड मैप के थ्रू आप उनकी लोकेशन दिखा सकते हैं तो ये कुछ uh, चीज़ें हैं जो आप मैंशन आउट करेंगे तो इट वुड बी गुड और राइट नाउ सी लिविंग मेजर प्रिमेट्स के अंदर अब आपके अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें कैन यू सी कैटेगरिनी को अभी हमने ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बारे में पढ़ लिया सो अब हम इस कैटेगरीनी के अंदर एप्स एंड ह्यूमंस और इनको ओवरऑल जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमिनॉयडिया के बारे में पढ़ेंगे ओके एंड होमिनोइडिया भी आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है वन इज हाइलो सेकेंड वन इज पॉन्जीडिया एंड थर्ड वन इज होमिनीडिया ओके सो अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विल डिस्कस अबाउट हाइलो और इसके अंदर गिबॉन्स और सिमैंगस आते हैं एज यू कैन सी आउट हेयर हाईलो बैटीडिया और इसके अंदर गिबॉन्स और सिमॉोंस की बात सिमांस की बात करेंगे हम सो so, इनकी लोकेशन क्या the, uh, the, uh, uh, है देआर फाउंड इन द ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया हैव नॉट इंक्लूडेड द मैप आउट हेयर यू कैन ईजिली लोकेट कि साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और राइट और एग्जाम में आप वो मैप भी ड्रा कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम कुछ बात करें तो दे आर द लोकोमोटर अडाप्टेशन फ्रॉम ब्रांचियशन मे बी रिलेटेड टू फीडिंग बिहेवियर वेल फ्रॉम सो so, हमने पहले भी इस बारे में बात करी हुई है लाइक हाउ गिबॉन्स हैंग थ्रू द ब्रांचेज ऑल राइट तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं डाइट इनकी लार्जली फ्रूट सप्लीमेंट्स होती हैं यानी कि बेसिकली हारबी बोर ही होते हैं सोशल यूनिट इनकी पेयर है हमने याद है बात करी थी लाइक like चिम्पांजी uh, की uh, जो सोशल यूनिट होती हैं वो उसके उनके सेक्स पार्टनर्स काफ़ी सारे होते हैं बट इन केस ऑफ दि दे हैव ओनली वन दे हैव मोनोगामस पेयर सो वो यहाँ पे मेंशन अगेन किया गया है मेल एंड फीमेल आर टेरिटोरियल एंड डिलिमिनिएट देयर टेरिटरीज विद वूब्स एंड सॉन्ग्स सो बेसिकली इनकी भी अपनी टेरिटरी होती है जैसा कि आपको पता होगा इन केस ऑफ लायंस ऑल्सो दे हैव देयर ओन टेरिटरी इवन कुत्तों की भी अपनी टेरिटरीज होती हैं सो सम एनिमल्स दे शो सच अ काइंड ऑफ इन बिहेवियर सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑल राइट देन इसके अंदर अब हाइलो बटालिया के बारे में हमने बात करी अब हम पॉन्जिडिया के बारे में बात करेंगे सी पॉन्जिडिया के अंदर मेजरली uh, आपको औरंगटून मिलेंगे सो so, ओरेंगोटून्स आपको बोर्नी और सुमात्रा आइलैंड्स में uh, पाए जाते हैं दैट यू कैन लोकेट ऑल राइट देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दिया भाई स्लो एंड कॉशियस क्लाइंबर एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एरबोरियल यानी कि या पेड़ पर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं अभी भी पेड़ से लटक रहे हैं एंड दे आर लार्ज एनिमल यानी कि ये काफ़ी हैवी होते हैं फ्रूट ईटिंग right. uh, है right. होते हैं uh, हम नेक्स्ट बात करें पॉन्जीडिया uh, के अंदर हमने ग्रेट एप्स एंड ग्रेट एप्स में बात करीट right. आप ये वाला चार्ट बार बार रेफर कर सकते हैं be हम किस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं नाव गोरेला uh, की अगर हम बात करें ये भी पॉन्जीडिया के अंदर ही आते हैं सो so, गोरेज़ की जो मेन लोकेशन है दे आर द लिविंग प्रीमेट्स कन्फाइड टू द फॉरेस्टेड एरिया ऑफ सेंट्रल अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका में आपको गुरेलाज मिलेंगे अब uh, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दे शो सेक्शुअल डाइफ मॉर्फिज्म और ये भी काफ़ी भारी भरकम होते हैं दे आर टेरेस्टेरियल बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं एंड दे शो क्वाडरपेडलिज्म सेमी क्वाडरपेडलिज्म बेसिकली और नकल वॉकिंग ये भी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई हैं लिव इन ग्रुप्स एंड कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सिल्वर बैक मेल एंड अ फ्यू अडल्ट फीमेल एंड देयर सब अडल्ट ऑफ सो ये इनकी सोशल यूनिट है दैट यू नीड टू रिमेंबर राइट देन यहाँ पर हमने गुरेला की बात कर ली नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉन्जीडया देट इज़ चिम्पेंजीज चिम्पेंजीज़ की बात करें तो दे आर फाउंड इन इक्वेटोरियल अफ्रीका इक्वेटोियल अफ्रीका कहाँ होगा आपके इक्वेटर के आसपास की हम बात कर रहे हैं और राइट एनाटोमिकली दे आर सिमिलर टू गुरेलाज पर्टिकुलरली इन द लिम प्रपोर्शन इन अपर बॉडी शेप ये गुरेला से काफ़ी सिमिलर होते हैं एंड लोकोमोशन इनकी भी नकल वॉकिंग होती है मोस्टली एंड ब्रांचिएशन इन द ट्री दे ईट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स यानी कि ये एनिमल्स uh, uh, को भी के ऊपर भी फीड करते हैं एंड लार्ज कम्युनिटी एज मैनी एज फिफ्टी इंडिविजुअल सो बेसिकली ये कम्युनिटी uh, में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और राइट right. तो दैट इज़ सम ऑफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिम्पाजी यू कैन सी हमने यहाँ पर चिम्पाजी को भी कवर कर लिया है मार्कड आउट है नाओ कमिंग बैक टू नाओ कमिंग मूविंग अ हेड टू दोनोबस सो बोनोबर्स भी आपके पॉन्जीडिया के अंदर ही आते हैं एंड इनकी जोग्राफिकल लोकेशन इज़ द साउथ ऑफ़ ज़ायरे रिवर ओके ज़ायरे रिवर कहाँ आपको अफ्रीका में मिलेगा द पॉपुलेशन इज़ बिलीव टू बी द ओनली नंबर ऑफ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि अगर आप बोनोबर्स की बात करें तो इनकी काफ़ी uh, कम प्रजातियाँ अभी बची हैं अर्थ पर तो बहुत ही जल्दी हो सकता है ये लिविंग प्रेमेट्स ना रहकर एक्सटिंक्स प्रीमेट की कैटेगरीज में आ जाए एनी वेज एक्सप्लॉयड मेनी ऑफ द सेम फूड एज चिम्स इंक्लूडिंग ओकेजनल स्मॉल एनमल्स चिम्स की तरह इनका खाना पीना होता है मेल फीमेल बॉन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट द सोसाइटल कोर बोनोबर्स सेक्शुअलिटी इंक्लूड फ्रीक्वेंट कॉपुलेशन एंड ऑकर्स थ्रू आउट द फीमेल स्ट्रेस साइकिल सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू कैन रिमेंबर ऑल राइट सो या हमने यहाँ पर भी बोनोबर्स को भी कवर कर लिया है नेक्स्ट विल बी मूविंग इन टू द होमिनिडिया तो होमेनीरिया के अंदर ऑफकोर्स द ह्यूमन बींगस वी आर द ओनली लिविंग स्पीसीज अंडर दिस होमेरिया कैटेगरीज और राइट हम कहाँ पाए जाते हैं वी ऑल नो वी आर ऑल अक्रॉस द हैबिटेबल जोन ऑफ द ग्लोब एंड ह्यूमन तीथ आर टिपिकली प्रिमेट तीथ सी ह्यूमन के बारे में आई डोंट थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है यू कैन इजिली फिगर आउट इन योर सेल्ल एंड यू कैन राइट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन ऑल राइट सो हियर वी हैव कम्पलीटेड ऑल द लिविंग प्रीमेट्स दैट नीडिड टू बी स्टडीड बट इवन दो दे आर आर वेरी सब कैटेगरीज अगर आप लिम्बूर्स की भी बात करें तो लिम्बूस के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज आती है सो so, अगर मैं एक एक को कवर करने चाहूँ तो इट विल बिकम अ वेरी बिग वीडियो सो दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दिस इन डिटेल इन द नोट्स डिस्क्रिप्शन आप चाहे uh, चेक कर ले उसमें आपको नोट्स मिलेंगे नोट्स में आप देख सकते हैं तो जितने भी हमारे लिविंग प्रीमेट्स हैं जो सब कैटेगराइजेशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं सो दोज़ हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन गो एंड दे कैन सी एंड दे कैन इवन यू नो मेमोराइज इट इफ दे वांटेड टू बट जो मेन uh, है जो ब्रॉडर कैटेगरीज है, वी हैव कवर्ड ऑल दोज ऑल हियर ऑल सो आई होप यू टू एंजॉय टू लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट